अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले साबुदाना को लेकर उसको अच्छी तरह धोने, फिर उसको पानी में भिगो के रख दें। इसको थोड़ा सा पुलने के लिए रख दें, फिर एक गेज का लें, उसके नीचे चूल्हा सा ऑन करें और तकरीबन 2 केजी तक दूध ले लें अपने अंदाजे के मुताबिक। जैसे कि 1 कप साबुदाना था तो 2 कप मैंने 2 किलो मैंने दूध लिया, उसको उबालने के लिए रख दिया है। दूध में जैसे ही उबाल आ जाए हल्का सा तो उसमें 1/2 कप चीनी डाल दें और तकरीबन 2 से 3 इलायची डाल दें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें, उबाल दें। जब ये थोड़ा सा उबल जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे साबुदाना जो कि अच्छी तरह फूल चुका है। अब साबुदाना डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह पकाना है। चम्मच ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना वरना इसकी बिल्कुल खीर बन जाएगी, ये सारे टूट जाएंगे, इसलिए इसमें मोटा मोटा ही चम्मच फिराना है। इसी तरह देखिए, अब ये इसके दाने ऐसे ऐसे देखिए फूल रहे हैं। जब दाने अच्छी तरह फूल जाएंगे और थोड़ा सा दूध कम हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे और अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, फिर सर्व करेंगे। अब ये देखिए इसके दाने बिल्कुल अच्छी तरह फूल गए हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छी तरह ठंडा करें और बच्चों को भी खिलाएं, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कैल्शियम मौजूद है, ये बच्चों के लिए